नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं लाइफ इजी चैनल पे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हो रहे हैं आजकल, मतलब जनरली नज़र आ रहे हैं किन लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है, उसमें इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है कि तीन कैटेगरी के लोगों को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये तीन कैटेगरी के लोग कौन हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मार्च में पिछले महीने हमने कोरोना तो नहीं कहूँगा, लॉकडाउन की एनिवर्सरी मनाई। लॉकडाउन को एक साल पूरा हुआ इंडिया में, जो कंप्लीट लॉकडाउन लगा था मार्च के एंड में, उसको एक साल पूरा हुआ। दोस्तों, अभी क्या हुआ, कोरोना के केसेस एकदम से कंट्रोल में आ गए थे इंडिया में और एकदम से स्लो डाउन आ गया था कोरोना के केसेस में। लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया देश से, घूमो फिरो, मास्क मत लगाओ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मत फॉलो करो और जो कोरोना के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो मत करो। उसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, अभी रिसेंटली अभी 4 तारीख को हमने देखा कि 1 लाख नए केस आए एक दिन में, और ये बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत ह्यूज नंबर है कि कोरोना के केसेस, पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए इंडिया में। अब दोस्तों, इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि भाई कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, और इस लॉकडाउन के पीछे हाथ किसका होगा, आपका और मेरा। जो लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, रेगुलर हाथों को नहीं धो रहे और भीड़ में जाके खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बीमारी कोई नहीं है, ये तो एक सर्दी जुकाम है। लेकिन दोस्तों, जिसके घर में कोई डेथ हुई है या जो इस बीमारी से गुजरा है, ज़रा एक बार उससे पूछ लीजिए कि कोरोना क्या होता है। अगर छू के निकल गया है, नॉर्मल सिम्टम्स रहे तो बहुत बढ़िया, आप तो कहोगे सर्दी जुकाम है। और जिसको थोड़ा सा भी सीवियर हुआ है कोरोना का इन्फेक्शन, उससे ज़रा उसकी हालत पूछिए, या जिसके घर में डेथ हुई है उसके बारे में उससे ज़रा पूछ लीजिए कि कोरोना क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, मास्क लगाइए। मास्क एक बहुत अच्छा हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है, मास्क प्राइमरी समझिए आप। बाकी चीज़ें जो गवर्नमेंट कह रही है उसको आप फॉलो करिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो केसेस आ रहे हैं एकदम से, अब इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है। कई जगह कर्फ्यू लगा रही है गवर्नमेंट, अब आप देख रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में कई जगह लॉकडाउन भी है, वहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन भी लग गया, कई जगह देश में नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है। यूपी के नोएडा में 144 सेक्शन एप्लीकेबल यानी एमरजेंसी लग गई है। अब इसमें क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करेगी, एकदम से वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाएगी। अब अगर वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी तो लोगों में एक मिथ भी है कि भाई मैं अगर वैक्सीन लगवा रहा हूँ, मैं टीका लगवा रहा हूँ कोरोना का, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। और लोगों में बहुत मिथ है कि भाई कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, और इन्हीं साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों, बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, आप जब वैक्सीन लगवाएंगे तो जहाँ टीका लगा है वहाँ पर हल्का सा सूजन हो जाएगी आपको, वहाँ पर हल्का सा लालीपन आ जाएगा, आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा दोस्तों, हो सकता है आपको बुखार आ जाए, हो सकता है आपको थोड़ी सी ठंड लगे और आपके बॉडी मसल्स में पेन हो। ये दोस्तों, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आपने नोट किया होगा, जब छोटे बच्चे को भी जब आप वैक्सीनेशन कराते हैं या जो टीका लगता है तो उसको भी 2 दिन तक बुखार रहता है, बहुत पेन होता है उसको, बच्चा रोता है, तो ये कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन लोग घबराए हुए, लोगों में मिथ है कि भाई कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब दोस्तों, इसको तीन कैटेगरी में जो बांटा गया, उन कैटेगरी की हम बात करते हैं। पहली जो कैटेगरी है दोस्तों, उसमें बताया गया कि जो लेडीज़ हैं, जेंट्स के कंपैरिजन में उनको ज़्यादा रिएक्शन होता है इस वैक्सीन का। क्यों होता है दोस्तों, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हुई है, US में ये स्टडी हुई है, तो उसमें बताया गया कि 79% जो सैंपल कलेक्ट किया गया उसमें 79% जो रिएक्शन आए हैं वो सिर्फ फीमेल्स में आए हैं। तो हालांकि वैसे कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये नॉर्मल एक स्टडी है, इससे ये नहीं कि भाई आप घबरा गए, आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी क्या है, जिन लोगों को पहले से कोरोना हो चुका है, मतलब कोरोना पॉजिटिव लोग जो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, वो अगर वैक्सीन को लगवाते हैं तो उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है दोस्तों, जो इसमें कैटेगराइज किया गया रिपोर्ट में, उसमें यंग लोगों को यानी 20 से लेकर 29 साल के लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। दोस्तों, इन तीन कैटेगरी में इनको बांटा गया है जिनको ये रिएक्शन होते हैं। लास्ट में दोस्तों यही कहूँगा कि ये एक बहुत सिंपल रिएक्शन, अगर हाँ किसी को हो सकता है कुछ सीवियर रिएक्शन हो जाए, वो
एक प्रॉपर गाइडलाइन है कि किसको वैक्सीन लगनी चाहिए किसको नहीं लगनी चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन में आपको बस यही रिएक्शन होंगे। अगर हाँ कोई प्रॉपर गाइडलाइन है कि जैसे शुगर वाले को क्या है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई पहले से मेडिकल किसी की ट्रीटमेंट चल रही है तो उसको वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी, वो जब आप जहाँ पे वैक्सीन लगवाने जाएंगे वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर होंगे वो खुद उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे और तभी वैक्सीन आपको लगेगी। तो दोस्तों ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, रेगुलर हाथ धोते रहिए। थैंक यू।